अस्सलाम वालेकुम। हम शुरू करेंगे MTS 301 का लेक्चर नंबर 12। तो लेक्चर नंबर 12 का हमारा टेंजेंट प्लेन टू द सरफेस। तो लेक्चर नंबर 12 शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, तो प्लीज़ आप लोग सारे में चैनल बनाए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं वो आपको टाइम पर मिल सकें। और प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलती है। तो लेक्चर नंबर 12 शुरू करते हैं, टेंजेंट प्लेन टू द सरफेस। इसमें आप ये देखें, इसमें आपको दिया हुआ डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन टू डायमेंशन स्पेस। ठीक है, द स्लोप इंटरसेक्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। स्लोप इंटरसेक्ट फॉर्म क्या होती है? इसकी इक्वेशन ही होती है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो आप याद कर लें, ठीक है, वेयर एम क्या है स्लोप और सी क्या है इसे वाई इंटरसेप्ट। ये क्या होता है आगे आगे देखेंगे हम। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है? आप एक और फॉर्म दिया हुआ है आपको पॉइंट स्लोप फॉर्म का। तो इसका फॉर्मला क्या होता है आप अभी देखें, वाई माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नॉट होता है। ठीक है, अब मैं समझाया हुआ एम क्या है, ऊपर देख चुके हैं एम क्या स्लोप। तो हमारे क्या बोला हुआ है यहाँ पे, हमें यहाँ पे क्या बोला हुआ है, एम क्या होता है, एम होता है स्लोप ऑफ द लाइन। तो स्लोप ऑफ द लाइन अब ये राइज और रन किया, तो आप देखें यहाँ आपको डायग्राम शो की हुई है। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये नीचे वाला ए ऊपर वाले बी हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, ये होता है राइस, ऊपर की तरफ जा रहा है राइस और ये है नीचे। तो क्या हो गया, ये हो गया रन। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है ए बी, यानी राइस की वैल्यू क्या है बी और रन की वैल्यू क्या है ए। यहाँ पे इस तरीके से राइस ओवर रन को इस तरीके से लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो बी ए की वैल्यू अभी हमारे पास, अब चाहे इसको इस फॉर्म में लिखें या आप इस फॉर्म में लिखें। ठीक है, अब आगे चलते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है हमारे पास, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, वेयर सी क्या होता है, सी होता है हमारे पास कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। तो आगे है आपके पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है ऑफ अ लाइन इन टू डायमेंशन। अगर टू डायमेंशन हमारे पास पैरामेट्रिक इक्वेशन की होगी तो हमारे उसको किससे डोनेट करेंगे, एक्स नॉट को वाई नॉट को। अगर अब देखिए इसमें लिखा हुआ है पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इसमें लिखा हुआ है लाइन इन टू डायमेंशन स्पेस पासिंग थ्रू द पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट। टू डायमेंशन होगी तो उसमें क्या हमें पॉइंट दिए गए होंगे, एक्स नॉट वाई नॉट। देखिए यहाँ पर हमें एक्स नॉट और वाई नॉट दिया हुआ है, तो एलिमिनेटिंग टी हटा देंगे इसमें से तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा ये। तो आपको ये फॉर्मूला आपने देख लेना है, ये फॉर्मूला हो गया। अगर देखते हैं पैरामेट्रिक वेक्टर फॉर्म, अगर वेक्टर के फॉर्म में आपके पास कोई सवाल होगा तो फॉर्मूला ये होगा आई जे की फॉर्म को वेक्टर फॉर्म। ठीक है, इक्वेशन ऑफ थ्री डायमेंशन में क्या होता है, यानी एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट भी हो जाएगा उसके अंदर। तो क्या होगा, थ्री डायमेंशन हो गया ये। ठीक है, वहाँ इसका फॉर्मूला देखें, हम पता है एक्स और वाई और यहाँ पे क्या होगा, जेड माइनस जेड नॉट। ठीक है, ये होता है एक्स माइनस एक्स नॉट डिवाइड बाई ए वाई माइनस वाई नॉट बोलते हैं उसको, जेड माइनस जेड नॉट। अब आप देखें आगे आपको एक एग्जाम्पल दी गई है, फाइंड पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट ए एंड पैरेलल टू द वेक्टर ये। ठीक है, आपको पॉइंट डी में ये और वेक्टर दिए भाई ये, तो आपने करना क्या है, आपने सिंपल एक यहाँ पे पॉइंट डी में इसको बोलेंगे एक्स नॉट, इसको बोलेंगे वाई नॉट, इसको बोलेंगे जेड नॉट। ठीक है, और ये जो आपको वेक्टर दिया हुआ है यहाँ पे इसको हम सपोज कर लेंगे ये। तो देखें आपको एक्स नॉट की जगह टू दिया हुआ है, वाई नॉट की जगह फोर दिया हुआ है और जेड नॉट की जगह आपको थ्री दिया हुआ है। ठीक है, अब ये वेक्टर दिया हुआ है तो इसमें क्या है हमारे पास, ए ये है, ठीक है, बी ये है और सी ये है। तो ए की वैल्यू क्या है फोर, बी की वैल्यू क्या है जीरो और सी की वैल्यू क्या है माइनस सेवन। तो आपने एक्स इक्वल टू, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, हमें ऊपर देखते हैं, एक्स इक्वल टू एक्स नॉट प्लस ए टी, वाई इक्वल टू वाई नॉट प्लस बी टी, जेड इक्वल टू जेड नॉट प्लस सी टी। तो इस तरीके से आप देखें, एक्स इक्वल टू एक्स नॉट की वैल्यू क्या है हमारे पास टू पुट की और प्लस ए, ए की वैल्यू क्या है फोर और टी। तो इस तरीके से आपकी ये इक्वेशन पैरामेट्रिक इक्वेशन आ गई आपके पास। तो आगे देखते हैं आगे क्या है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द कर्व। तो अब आप देखें यहाँ पर दी हुई आपको एक्सपर्ट फॉर्म बोलते हैं इसको, ठीक है, इसको एक्सपर्ट फॉर्म बोलते हैं। इसी के आगे आपको कंटिन्यू किया हुआ है, आपको एग्जाम्पल दी हुई है, क्वेश्चन दिया हुआ है और इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फॉर्म। ठीक है, और इसको इस तरीके सॉल्व किया हुआ इन्होंने, यहाँ पे क्या किया इसका स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर लेने के बाद क्या किया इसको आगे पीछे किया, आगे पीछे किया तो हमारे पास क्या आ गया ये। तो अगर आप देखें तो ये आपको इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, इसका आपने अंडर रूट लिया, स्क्वायर लिया, तो क्या हो गया, अंडर रूट खत्म हो गया, यहाँ स्क्वायर आ गया, यहाँ स्क्वायर होने के बाद उसको हमने अरेंज किया तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स वहाँ चले गया तो एक्स हो गया पॉजिटिव, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई, इस तरीके से यहाँ इक्वेशन आ गई। अब आगे क्या किया इन्होंने, देखें आगे ये किया है, आगे जो सॉल्व करें इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, ये इक्वेशन आ गया, अब हमने क्या किया इसको हमने ब्रेक कर लिया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर किया हमारे पास नाइन। ठीक है, अब इसका हमने अगर हम इसको स्क्वायर हटा लिख दें तो अगर हम इसको यहाँ मूव कर दें तो क्या होगा, स्क्वायर खत्म हो जाएगा, अंडर रूट नाइन, और अंडर रूट नाइन क्या होगा, अब प्लस का और माइनस का थ्री हो जाएगा, यानी अंडर रूट नाइन क्या होगा फिर प्लस माइनस का थ्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू होगी हमारे पास, आप क्या कर देंगे ऐड कर देंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐड कर देंगे तो क्या होगा, अब हमें बताया एक्स क्या होता है कॉस थीटा और वाई क्या होता है साइन थीटा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को प्लस कर देंगे तो क्या होगा, हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू है यहाँ पे सी नाइन। ठीक है, एक्स स्क्वायर की जगह नाइन लिख का हमें बताया एक्स क्या होता है साइन थीटा।
ठीक है, प्लस किया और वाई की वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, नाइन, नाइन लिखा और नाइन क्या होता है कॉस थीटा, लिख दिया, कॉमन लिया, कॉमन लिया तो क्या आया, नाइन कॉमन आया और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कॉमन आ गया। हमें बताया कि साइन थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन के इक्वल होता है, तो ये आ गया वन के इक्वल। अब हमें बताया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, नाइन, तो आप देखें सीधे से यहाँ नाइन की वैल्यू आई है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, तो फिर आगे क्या है, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, तो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन में क्या होता है, तो आप अभी देखें ये उसकी होती है फॉर्मूला, तो आप देख लें फॉर्मूला होता है, इसको आप देख लें काफ़ी आगे आएगा, एक्स माइनस एक्स नॉट, वाई माइनस वाई नॉट, जेड माइनस जेड नॉट, तो इसको सॉल्व किया हुआ, तो उन्होंने इसको ए बी सी की फॉर्म में दे दिया है। ठीक है, तो यह फॉर्मूला देख लें, ये आगे हमारे जितने भी क्वेश्चन है उसमें फॉर्मूला यूज़ होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो आप ये देख लें पॉइंट नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन फॉर्म अप लें, तो ये फॉर्मूला आप देख लें, इसको क्या है, ए ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस बी वाई माइनस वाई नॉट प्लस सी जेड माइनस जेड नॉट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दी हुई, इसी तरीके से आपको समझाया हुआ है, इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। तो अब आप देखिए इसमें पूछा हुआ है एन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, पॉइंट हमें दिए हुए हैं ये क्या है, एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट, एंड आपने करना क्या है, जो हम ऊपर पढ़ के आए थे टेंजेंट का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, इसमें सिर्फ आपको फॉर्मूला अप्लाई करना, कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कर देनी है। तो अब आप ये देखें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें पता है फॉर्मूला में क्या होता है, ए ये आ गया एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स नॉट क्या है थ्री, फिर ये आ गया प्लस, प्लस क्या हो गया, उसके बाद क्या है बी, बी आ गया, फिर क्या है वाई, वाई हमारे पास क्या है, वाई आ गया, वाई फार्मूला क्या आ गया, फिर वाई माइनस वाई नॉट, वाई नॉट में क्या है माइनस, माइनस माइनस होता है प्लस, ठीक है प्लस आ गया, फिर वन, फिर क्या होता है प्लस, अब प्लस माइनस होता है माइनस, माइनस हो गया फाइव आ गया, फाइव के बाद क्या होता है जेड, जेड माइनस जेड नॉट, जेड माइनस जेड नॉट क्या हमारे पास जेड नॉट, जीरो सेवन, सेवन पुट कर दिया, इसको सॉल्व किया हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, तो आगे देखते हैं, ये सिंपल बताया उन्होंने, ग्रेडियंट टेंजेंट वे सरफेस ये इतना यूज़ नहीं हुआ यहाँ पे, तो इसको स्किप करें आप। तो देखें आगे एक और एग्जाम्पल दी हुई है यहाँ पे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन टू द सरफेस, ये दी हुई है, इसमें भी वही करना है हमें। ठीक है, इसमें फ़र्क है, उसमें हमें देखें यहाँ पे हमें वैल्यूज़ दी हुई है एक्स वाई जेड, जबकि ऊपर देखें यहाँ पे उसने सिर्फ हमें आई के फॉर्म में दी हुई थी, यानी उसने हमारा काम आसान किया, जैसे हमने वैल्यू पुट की, फॉर्मूला पुट किया, वैल्यू पुट किया, हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे देखें यहाँ पे उसने किया हुआ है, यहाँ पे उन्होंने एक्स दिए हुए, वाई भी दिया, जेड भी दिया हुआ, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हमें पहले डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, आसान है, क्वेश्चन लिखा हमने, हमने क्या किया एफ एक्स बाई जेड, तो पहले हम क्या करेंगे पूरी इक्वेशन का एक्स से डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स से डेरिवेटिव लिया ये आया, फिर इस पूरे का वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो ये आया, इस पूरे का जेड के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो अब आंसर क्या ये आया। अब क्या करें, जो हमारे पास एक्स आया है, एक्स का डेरिवेटिव है, उसमें वैल्यू हमें, ठीक है ये हमारी एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है, जेड की वैल्यू, तो देखें एक्स में क्या है टू, टू पुट कर दे 36 आ गया, वाई का यहाँ पे थ्री, एट थ्री था 24 हो गया, और जेड की वैल्यू क्या है सिक्स, तो सिक्स टू का क्या हो गया 12, तो ये हमारे पास क्या हो गई एक्स वाई जेड की वैल्यू हो गई। आप क्या कि हमने वही वाला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने अप्लाई किया ए, ठीक है हमने अप्लाई किया ए एक्स माइनस एक्स नॉट, ठीक है एक्स माइनस एक्स नॉट और प्लस बी, और बी के आगे क्या है y माइनस वाई नॉट, इस तरीके से जेड का भी, ठीक है तो ये चीज़ फॉर्मूला अप्लाई किया और वैल्यू पुट करके हमारे पास ये आंसर आ गया। तो बस कुछ नहीं करना है इसके अंदर, वही करना जो हमने ऊपर काम किया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका लेक्चर नंबर 12 खत्म हो गया, अब इसके थोड़ा प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन में कई बहुत ही आसान प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं आपको, वो देखें फाइंड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन टू द सरफेस, फाइंड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन और फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट में क्या था, क्वेश्चन करना था फॉर्मूला पुट करना था, तो मैंने ये सॉल्व किया है, आप देखने वाला क्वेश्चन जो है ये मैंने सॉल्व किया है, तो आप ये देख लें इसको एक नज़र, तो इसका आंसर जो है बिल्कुल यही आ रहा है 2 माइनस 5, तो देखिए आंसर आ रहा है इसका। ठीक है, तो आप ये देख लीजिएगा वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एक्स माइनस एक्स नॉट। तो मिलते हैं लेक्चर नंबर 13 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।